सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के एक इनडायरेक्ट मेथड या टेक्निक की। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलक्स मेथड की। जहाँ तक पैरेलक्स मेथड की बात है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो उसका एक सेंट्रल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन दिखाई देगा। लेकिन जब आप किसी भी आँख को बंद कर लेंगे, लेफ्ट या राइट, तो उसका पोजीशन जिस आँख को बंद करेंगे उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, राइट आई को क्लोज करते हैं तो राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो यही एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द आई इज कॉल्ड पैरेलक्स। या दूसरे तरीके से इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफेक्ट वेयर बाय द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन इज कॉल्ड पैरेलक्स। इनफैक्ट ये पैरेलक्स जो है एक तरह का डिफेक्ट है जिसको हमेशा अवॉइड करने का एडवाइस दिया जा सकता है। आपने जब भी प्रैक्टिकल लिखा होगा या आगे चल करके लिखेंगे, तो उसमें सोर्सेस ऑफ एरर और प्रिकॉशन की बात होती है। तो प्रिकॉशन में एक बात हमेशा कहा जाता है कि आप पैरेलक्स अवॉइड करें। तो आज उसी पैरेलक्स की बात हो रही है। इस पैरेलक्स का यूज करके लोगों ने बड़ी आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट का टेक्निक डिजाइन कर लिया। तो देखेंगे ये टेक्निक कैसा है। जैसे कि इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस स्लाइड के पहले एक हम दूसरा स्लाइड दिखाना चाहेंगे। जैसे ये बीच में आपको एक्चुअल पोजीशन शो किया जा रहा है, दो पोजीशन अपेरेंट हैं, ओके। फिर वापस हम पहले स्लाइड में आ जाते हैं। जैसे ये सेंट्रल पोजीशन जो है वो एक्चुअल पोजीशन है। अगर आपने लेफ्ट आई को क्लोज किया, तो लेफ्ट आई को क्लोज करने के साथ साथ जो अपेरेंट पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। इन लाइंस को जब ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद आपको इन लाइंस को ज्वाइन करने के बाद जो एक एंगल बनेगा उसको आप फाई वन मान लें। इसी तरह से राइट आई को जब क्लोज करेंगे, तो राइट आई को क्लोज करने के बाद फिर से एक पोजीशन आपको यहाँ दिखाई देगा। और इस पोजीशन को ज्वाइन करते हुए जब लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, तो ड्रॉ करने के बाद एक दूसरा एंगल दिखाई देगा, ये दूसरा एंगल फाई टू मान लें। अच्छा, बीच से अगर ये लाइन ज्वाइन करते हैं, जो बीच वाला लाइन ज्वाइन किया हुआ है, तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से फाई वन तो ये भी फाई वन, और ये फाई टू तो ये भी फाई टू। अगर टोटल एंगल की बात की जाए तो ये थीटा इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। यही थीटा पैरेलक्स एंगल या पैरेलेक्टिक एंगल कहा जाता है। लेफ्ट और राइट आई के बीच के आर्क लेंथ को, डिस्टेंस को हम लोग बेसिस कहते हैं। और राइट आई से एक्चुअल पोजीशन या लेफ्ट आई से एक्चुअल पोजीशन को डिस्टेंस कह सकते हैं, जो आर्क लेंथ के लिए रेडियस जैसा काम करेगा। अब जब एंगल की बात आएगी, तो एंगल आर्क लेंथ बाय रेडियस जब आप करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी, ओके। अब चलिए आगे इस पोजीशन को, इस मेथड को यूज करके लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स के डिस्टेंस मेजर करने हैं। तो इसके लिए अर्थ पे हमने दो पोजीशन लिया, एक फर्स्ट पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन, ओके। मान लीजिए 12 o'clock नून का समय है। इस समय आपको एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार या सन ये दिखाई दे रहा है। 12 o'clock से 5 मिनट पहले अगर किसी पोजीशन पे आप हैं, और वहाँ पर भी आप सन का पोजीशन देखेंगे, तो एक्चुअली ओवर हेड दिखाई देगा, ओके। इसको अपेरेंट पोजीशन वन या टू मान सकते हैं। चलिए लाइन ज्वाइन करके एक एंगल बना लेते हैं, यहाँ पर फाई टू बोला गया है। फर्दर हम चलने के बाद से कुछ डिस्टेंस चल लेते हैं, और ये हो सकता है 12:05 का समय रहा हो। उस समय भी सन को जब देखेंगे, तो हमको पोजीशन ओवरहेड दिखाई देगा, जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन की बात हो रही है। तो अब अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की बात करें, जो ये टोटल वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ये एंगल आपको थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आपको पैरेलक्स एंगल हो गया। और जैसा आप देख रहे थे कि एंगल इज इक्वल टू बी बाई डी,
उसके हिसाब से डी निकालना हो तो वी बाय थीटा कर सकते हैं, और इस तरह से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा स्टार का। यही सब चीज़ अगर आप कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें, खास करके एनसीईआरटी में काफ़ी बेहतरीन न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो काफ़ी आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। और इसी को देखते हुए हमने ये क्वेश्चन लिया है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले एंगल की बात हो रही थी, तो एंगल हमको हमेशा रेडियन में लेना है, और रेडियन में एंगल लेने के लिए डिग्री हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। तो 1 सेकंड का जब रेडियन में कन्वर्जन करेंगे तो 4.85 इंटू 10^-6 रेडियन होगा। अगर मान लीजिए कि 1 मिनट है तो 60 सेकंड के बराबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना चूंकि आपको आ गया है तो आसानी से हाँ जो भी डिग्री मिलेगा उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने में ये एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ लें क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब चलिए आगे सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मून के पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग, जो अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा जा रहा था, और जो एंगल बना था जिसको हम लोग पैरलैक्स एंगल बोलेंगे, 1 डिग्री 54 मिनट का, तो 1 डिग्री को 60 मिनट और 54 मिनट को जोड़ लिए तो 114 मिनट हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद से आपको फर्दर 4.85 इंटू 10^-6 से मल्टीप्लाई किए तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। याद रखेंगे रेडियन में इसका वैल्यू, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अच्छा, अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग बेसिस बोलेंगे, और जो रेडियस है वो डायमीटर के बराबर होगा, सॉरी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, बी का वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू ला करके पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आपको डिस्टेंस हाँ बिटवीन अर्थ एंड मून ऑब्टेंड हो जाएगा। वापस एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद से ये जो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमको कंप्यूट करना है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो वो हमने कर लिया इस मेथड से। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही, और ये भी क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को फुल्ली पढ़ लेंगे क्योंकि सॉल्व करने में आपको काम आएगा, हो सके तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर लीनियर डायमीटर की बात हो रही है, उस सन का निकालना है। पिछले बार जो क्वेश्चन था उसके जस्ट उलट ये क्वेश्चन है, अपोजिट ये क्वेश्चन है। तो जब डायग्राम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। तो इसमें ऐसा है कि लीनियर डायमीटर पे एक एंगल, जिसको पैरेलेक्स एंगल जैसा मानेंगे, 1920 सेकंड्स का बन रहा है। अर्थ से सन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये लीनियर डायमीटर मतलब बेसिस निकाल देना है जो कि लीनियर डायमीटर ऑफ द सन के बराबर होगा। तो वन सेकेंड जो आपके पास सेकंड में एंगल दिया हुआ था उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 4.85 इंटू 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। याद रखें कि पैरेलेक्स मेथड में एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करके ही यूज करना है। अब थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी की बात कर रहे थे, तो बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, डी का वैल्यू ला करके पुट कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू भी ला करके पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आंसर आपके पास आ गया। वापस एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में हमने कर क्या रहे थे। पैरेलेक्स मेथड लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट का एक इनडायरेक्ट और बेहतरीन टेक्निक है, जिसका यूज बेसिकली स्टार्स के डिस्टेंस के मेजरमेंट में होता है। ओके, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपने देख लिया। होपफुली ये सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे अगले वीडियो में इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।